गंगा की लहरों पर उल्लास का उत्सव होगा। घाटों के किनारों पर उमंगों का मेला होगा। देवताओं के स्वागत में मोक्ष धरा का श्रृंगार हो रहा है। देव दीपावली वैश्विक पर्व है, लेकिन महाकाल की धरती पर इसकी छटा अलौकिक होती है। इस बार उमंगों के रंग थोड़ा ज्यादा चटक हैं, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी दीपदान के लिए काशी में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो वाराणसी कई बार आए हैं, लेकिन देव दीपावली के अवसर पर पहली बार वो वाराणसी आ रहे हैं, और इसीलिए चूंकि यहाँ पर उनका पूरा कार्यक्रम तय है कि कहाँ कहाँ पर उन्हें जाना है, यहाँ इसी रास्ते से होते हुए आगे के रास्ते से वो प्रवेश करेंगे, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बाबा विश्वनाथ की भक्ति में उनका छोटा सा समर्पण है। लेकिन इसके साथ ही वाराणसी के जो बाकी हिस्से भी हैं, जिस सड़क का उन्हें 72 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन करना है, जहां सारनाथ जहां पर जाना है उन्हें वो सारी जगह, और साथ ही यहां पर जो गंगा घाट है जहां से क्रूज के जरिए वो रविदास घाट से तक पहुंचेंगे, तो ये सारी वो जगह हैं जो पूरी तरीके से तैयार इस समय की जा रही है। ये इतिहास है कि देव दीपावली पर गंगा आरती, महाकाल का पूजन और दीपदान का हिस्सा बनने के लिए पूरे विश्व से अलग अलग संस्कृतियों के लोग आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब इस धार्मिक पर्व पर गंगा में दीप को प्रवाहित करेंगे, तब इस परंपरा को शासकीय और वैश्विक प्रवाह भी मिलेगा। ये ठीक वैसे है जैसे अयोध्या में दीपावली मनाई तो तब से जाती रही है जब से मानव सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन जिस तरह शासकीय व्यवस्था ने इसे दीपोत्सव के तौर पर विकसित किया, तो ये उत्सव स्थापित हो गया। बीते 4 साल से अयोध्या का दीपोत्सव दीपावली की पहचान बन गया। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी के 84 घाटों पर अद्भुत दृश्य होगा। छटा ऐसी होगी कि पहले के तमाम देव दीपावली का वैभव पीछे छूट जाए। काशी तट लगभग 15 लाख दीप से जगमगा उठेगा। पहला दीपक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से प्रज्वलित होगा। देव दीपावली का ये पर्व जिसमें हर साल हजारों लाखों विदेशी यहाँ पर आते हैं, देश के लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि जितने भी देवता हैं सब उस समय आते हैं काशी, इस नगरी में आते हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी में आते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक और मैं आपके लिए हर खबर इसकी लाएंगे, लेकिन अभिषेक, जैसे दीपोत्सव हो गया अयोध्या के लिए, हम ये समझ सकते हैं कि देव दीपावली भी एक तरह से दूर दूर तक जिसने नहीं भी सुना था उसको कहानी पहुंची। बिल्कुल, दीपोत्सव की कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता, 6.5 लाख दिए के बाद 15 लाख दिए जलाने की योजना है, और आप काशी के दोनों तरफ देखें, घाट के इस तरफ और घाट के उस तरफ, दोनों तरफ इतनी बड़ी तादाद में ये दिए जलाए जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान शंकर इस दिन आए थे देव दिवाली के दिन, और तमाम जो देवता हैं वो उतरते हैं, तो ये पहले से लोग जो धार्मिक जो श्रद्धालु हैं पहले से रहे हैं, लेकिन इस बार ये खास होने जा रहा है। इस मनमोहक और दिव्य दृश्य पर कौन मोहित न हो उठे, तय ये है कि पहला दीप जलाने के बाद प्रधानमंत्री गंगा में बोट के जरिए काशी के जगमग घाट को देखेंगे। वाराणसी एक ऐसा शहर है ना, जिसके लिए कहा जाता है जैसे शिव और शव की बात कर रहे हैं अभिषेक, तो वैसे ही यहाँ पर तो मृत्यु को भी एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ का जो उत्सव होता है वैसा आपको पूरे विश्व में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप इस ओर के घाटों पर सीढ़ियों पर जो प्रज्वलित होंगे दीपक, या फिर दूसरे छोर पर जहाँ पर रेत है वहां भी टिमटिमाते दीप, प्रधानमंत्री पहला दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली का उसे गंगा की लहरों में छोड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ उत्सव जो शुरू होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। वाराणसी के घाटों पर इस बार का लेजर शो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी होगा। जिस तरीके से अयोध्या के लेजर शो ने दुनिया को उसकी दीपावली की भव्यता से रूबरू कराया, कुछ वैसी ही कोशिश इस बार वाराणसी के घाटों पर भी होगी।
15 लाख दिए की बात है। 15 लाख अब आप कल्पना करिए, यहाँ से लेकर के पूरा जो घाट है बनारस का, ये कैसा भव्य दिखेगा, कैसा सुंदर नज़ारा इसका दिखेगा। न सिर्फ दिए होंगे बल्कि इस पूरे रास्ते में लेज़र लाइट शो होंगे, जहाँ के प्रधानमंत्री खुद रुक करके जो चेत सिंह किला है वहाँ खुद भी देखेंगे।